जैसा हमने भी देखा वैभव सर ने हमने हर चीज हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में और अच्छे से समझाई है, तो मैं चाहूंगा एक और बार जोरदार क्लैपिंग वैभव सर के। अब जैसे आपने ये प्रोजेक्ट देखा एंड आप इसके बारे में जरूर सोच रहे होंगे कि जैसे ये प्रोजेक्ट तो पता चल गया, बट उन लोगों के माइंड में क्या है जिन लोगों ने इसको ऑलरेडी स्टार्ट करा है और इसका पार्ट बन चुके हैं। तो मैं उन सब लोगों को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा एक एक करके, जो इस सिस्टम को ऑलरेडी पार्ट है वो स्टेज पे आए, अपने बारे में बताएं कि वो कहां से बिलोंग करते हैं और उनकी एजुकेशन क्या है। देखिए आज हम ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज जिनका टाइम हमने मांगा है उनका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। वो शख्स जो है वो 8 लाख रुपए कंसिस्टेंटली सिस्टम से ले रहे हैं, ना थकते हैं ना रुकते हैं। कि अगर हम उनको ये कहें कि ही इज अमंग द फाउंडिंग फादर्स ऑफ एचएचआई तो कोई गलत बात नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने ही एचएचआई की नींव रखी है। जिस बिल्डिंग में आज हम खा रहे हैं सो रहे और अपने सपने बना रहे हैं ना, उसकी नींव रखने वालों में से वो एक पर्सन है। तो चाहूंगा आप यहाँ पे आए, ज्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट का आपको समय मिलेगा, आइए बताइए और आपको ये भी बताना कि आपने एचएचआई क्यों चूज करा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह साहनी। क्वालिफिकेशन वाइज बात करूँ तो अपनी बीएससी कंप्लीट करी, फिर एमबीए किया। एमबीए करने के बाद एक मेडिकल कंपनी में ज्वाइन किया था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहां से प्रमोट हुए एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर एंड फाइनली एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर में काम कर रहा था। मैं सिस्टम में इसलिए आया क्योंकि आप कभी भी जॉब करते हैं, जैसे भी रिसेंटली आपने देखा कई सारी क्रेडिट हुई, एक बंदा 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह ले रहा था लेकिन जिस दिन उसकी डेथ हो गई उनकी फैमिली की इनकम जीरो हो गई। लेकिन हम जब काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे आप 10,000 लेवल पे हो, 20 पे हो, 30 पे हो, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं मतलब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उसके बाद जो आपकी फैमिली आती है वो उस बिजनेस को वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, तो जीरो नहीं होती है कभी। तो ये जो इसका मेन कंसेप्ट था इसी को लेकर मैं सिस्टम में आया था। मैं भी चाह रहा था कि जब इस दुनिया से जाए तो कोई ना कोई चीज हम विरासत में देके जाए। वाओ रियली वाओ, जो भी सर ने समझाया। देखिए हर एक का ना अपना मोटिव होता है, तो मैं नेक्स्ट बोलाना चाहूंगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता सिंह है और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। एजुकेशन में की बात करूँ तो मैंने एमबीए किया, एमफिल किया, एमटीटी किया। बाई प्रोफेशन एक टीचर हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी। जिस टाइम मैं जॉब कर रही थी तो जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर रहता था कि फैमिली के लिए टाइम भी नहीं होता था, और कुछ ऐसी चीजें सामने आती थी जहां पे हम जा भी नहीं सकते थे, वो चीज बहुत परेशान करती थी। तो एक बार सर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ऐसा कोई रास्ता है जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं हम जॉब को छोड़ के? तो सर ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि मैडम अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो मरी हुई मछली के समान मत बहो जो पानी के बहाव के साथ बहती है, एक जिंदा मछली की तरह चलो जो अपना रास्ता खुद बनाती है। फिर सर ने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, क्योंकि कई बार हम लोग अपने लिए ना सही अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो एचएचआई में मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, मेरे बच्चों के लिए बहुत चीजें हैं जो मुझे करनी है लाइफ में। ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है टीम सपोर्ट है जो कि जॉब में कभी नहीं मिलता, तो यहाँ मुझे सबका सपोर्ट मिला है और अपने सपने और अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए मैं सिस्टम में आई हूँ। थैंक यू। देखो लोग कहते हैं कि सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है, अब मैं आपको इस सिस्टम का बेनिफिट बताता हूँ। ऐसे सिस्टम की वजह से ना आप ऐसे लोगों से मिल पाते हो जो आपकी थिंकिंग के साथ चलते हैं, आपके जैसी थिंकिंग रखते हैं, आपकी जैसी ड्राइव रखता है, आपकी जैसी डेडिकेशन रखता है। तो ऐसे सिस्टम में ना आपकी सक्सेस के चांसेस ना स्काई रॉकेट कर जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा। नमस्ते साथियों, नमस्कार। मेरा नाम चंद्रपाल है, ग्राम मुरादपुर न्यू मंडी गढ़ रोड हापुड़ का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई में हंटन, पेशे से जनरेटर मैकेनिक हूँ और इसी के साथ साथ जनरेटर का काम करते करते मैंने जो पैसा इकट्ठा किया अपने ट्रांसपोर्ट लाइन में आया और मैंने 4-10 चरिया गाड़ी बना दी। जैसे ही ये लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में मैं सारा का सारा डाउन ही हो गया, मेरा दिल जाता है कितना मोटे पैसे का मैंने नुकसान करा। जो अब तक मैंने 27 साल में कमाया
मेरा 1.5 साल में सारा खत्म हो गया। इसी बीच में मेरे को हमारे एक साथी यहाँ पर कैलाश सर, उन्होंने मेरे को एचएचआई के बारे में बताया था, लेकिन सुना ना सुना मैंने कर दिया, क्योंकि एक तो मैं मासी जी की टेंशन में चला था, पर से मेरा काम नहीं खत्म था। फिर दोबारा से उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य रहा उस रोज आशीष नरेश जी के बारे में बताया कि वो हमारे सीनियर यहाँ आ रहे हैं, आप 10 मिनट का टाइम दो। मैं उसी बीच में अपना टाइम निकाला और मैं आया, सर ने मुझे बताया, बताने के बाद भी फिर भी मैंने सुना कुछ ना सुना अनसुना कर दिया। लेकिन जब मैंने अपनी बारीकी से देखा, अपने दिमाग पे अपने ऊपर सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, जो तेरा पैसा था कमाया हुआ एक झटके में सारा खत्म हो गया, ऐसा कहां कोई सिस्टम है, तो फिर मैंने सोचा कि एफपीएल। फिर मैंने सर को बुलाया, 3 दिन का समय मांगा, 1750 रुपए जेब मेरी थे, लेकिन उस टाइम भी मैंने नहीं दिए, सोचा, क्योंकि पहले भी नुकसान में चला था, मैंने सोचा, सोचने के बाद फिर मैंने वो करा। और पार्ट टाइम करता हूँ, शनिवार इतवार बाकी अपना जनरेटर का काम चलता है सर। इसके साथ सर देखिए, जैसे जैसे लोग अपने बारे में बता रहे हैं, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस और इसमें क्या फर्क है। जैसे सर ने बताया कि उनके ट्रेडिशनल बिजनेस में उन्हें इतना लॉस फेस करना पड़ा वो नॉलेज गेन करने के लिए कि उनका बिजनेस है क्या, बट आप देखिए टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी, वो अपने मेन बिजनेस पे लगातार फोकस करते हैं एंड उसके साथ साथ ही एचएचआई को डेवलप कर रहे हैं, ये है हमारे सिस्टम की पावर। अब नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा दोस्तों, नाम ऋषि पाल, मोदी नगर के पास एक गांव पड़ता है सजरा जारी, वहां का मैं रहने वाला हूं। और अगर आपसे 10 साल पहले बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में बिजली घर में गाजियाबाद पोस्टिंग थी। 2012 में रिजाइन दिया, 2012 में रिजाइन देने के बाद अपना एक एनजीओ बनाया, रोशनी प्रशिक्षण संस्थान, लगभग कंटिन्यू 9 साल उसे चलाया। लॉकडाउन के बाद बंद हुए सेंटर और तब से और भी खुले ही नहीं है, अभी भी बंद है। हैप्पी हेल्प इंडिया को सौभाग्य है मेरा कि पहले दिन से ही कर रहा हूँ, जिस दिन कंपनी यूपी के अंदर आई उसी दिन आशीष जी मेरे पास पहुंचे थे। लेकिन एक गलती बहुत बड़ी थी, प्रोडक्ट लिए भी ज्वाइन भी ऑन द स्पॉट किया, उठा के और कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ठीक था, अर्निंग में रहने कोई दिक्कत थी नहीं। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, हार के उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं, लास्ट में आके इस बिजनेस को शुरू कर दिया। और पहले पार्ट टाइम शुरू करा था, पार्ट टाइम करते 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 इस कंपनी का ग्राउंड स्टाफ अचीव कर चुके हैं। 2 सालों से जैसे लॉकडाउन हुआ है फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर है, और जो सपने कभी मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से देखता था आज वो एचएचआई की तरफ से देखता हूँ। ये मेरा दावा है, अगले 6 महीने में आप मेरे को बहुत चेंज पाओ, बहुत चेंज। सो देखो, मैं जब भी माइंडसेट की बात करता हूँ ना, सो माइंडसेट डेवलप करने का एक ही तरीका है, अपने आपको उस एनवायरमेंट के अंदर पुश कर दो जो आपको फोर्स करे अपना माइंडसेट अपग्रेड करने के लिए। देखिए ये स्टेज अपने आप में कुछ नहीं, ये स्टेज जो है इन लोगों से ही बना हुआ है। जैसे आप सर ने अनाउंसमेंट करी है, 6 मंथ्स के अंदर अपने अंदर पूरा चेंज कर देंगे, हम दिसंबर के अंदर एक नए सर देखने वाले हैं, नए क्राउन अचीवर हम देखने वाले हैं। सो अब मैं नेक्स्ट को लाना चाहूंगा मुझे सर को। नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश मुदगल मेरठ से, और हैप्पी हेल्थ इंडिया को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम, और इसे क्यों करना चाहिए, आपको भी क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नया काम नहीं करना, यहाँ पे जो हम पहले से ही कर रहे थे, यानी पहले से ही जो सामान खरीद रहे थे यहाँ से वही करना है, और उसी से ही हमको इनकम मिल रही है। अभी होता क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हम सामान लेके आ जा रहे हैं और उसको यूज कर ले रहे हैं केवल, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता, वहां सिर्फ पैसे देते हैं और हम वही के वही है, बस सामान यूज कर लिया और इससे बड़ा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ ये हैप्पी हेल्थ इंडिया आपको उसी में ही डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या कर सकता है ये आप सोच सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट ले सकता है, वही सारे बेनिफिट हमको यहाँ पे हैप्पी हेल्थ इंडिया दे रही है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि बिना पैसे डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, यानी आप एजेंसी लेते हैं तो कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और अगर आप होलसेलर बनते हैं उसी के ही कम से कम 25 लाख रुपए होने चाहिए अपने पास,
अगर हम वहां पे जाते हैं तो किसी भी चीज की एजेंसी ले या उसकी सप्लाई करें, यहां से हम या फिर अभी रिटेलर पे आ जाते हैं तो रिटेलर के लिए भी मिनिमम 5 लाख तो चाहिए चाहिए, नहीं तो खाली बैठे रहेंगे, कोई आएगा भी नहीं, पूछेगा ये सामान है, मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ आपकी एक हाँ आपको 600 प्रोडक्ट का मालिक बना देती है, 600 प्रोडक्ट, यानी आप यहाँ से कुछ भी मांगते हैं हमारी जरूरत की चीज वो आदमी लेकर जा रहा है, अपने लिए तो फायदा कर ही रहा है मगर उसका एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी फायदा मिल रहा है, और यहाँ से बड़े मजे में लोग इनकम ले रहे हैं। सिर्फ सोचना पड़ेगा कि हम हैप्पियर इंडिया से सामान लें या जहाँ से लेके आ रहे थे वहां से, बस इतना ही है। और इसी के साथ साथ बड़े अच्छे लेवल पर, बड़े अच्छे लेवल पर लोग पैसे कमा रहे हैं, बहुत मोटे मोटे पैसे कमा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और हम भी उसी तरीके से लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि जॉब में तो हमने सब कुछ कर लिया, जॉब भी कर ली, मैं आज आर्मी से रिटायर हूँ, फिल्मेश्वर लेके बहुत बड़ा करने के लिए सोचा था, क्योंकि हमको पता नहीं था बिजनेस बोलते क्या है, यहीं पे आके पता लगा बिजनेस बोलते किस तरह, नहीं तो हमने मेडिकल स्टोर चलाया उसी को बिजनेस बोलते थे, कि बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मगर पता यहाँ चला आके कि वहां पे इतने पैसे लगाने के बावजूद भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, मगर यहाँ बिना पैसे लगाए केवल लोगों को बता के ही पैसे कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बिजनेस तो मिल ही नहीं सकता। और फ्री है, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए इस बिजनेस को करना चाहिए, समझना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू।